हेलो गाइस, नमस्ते। निकिता किचन में आपका स्वागत है। आज है मंडे और आज है चांद चंड, जिसको सिंधी में बोलते हैं। और ये बन रही है खीरनी प्रसाद के लिए। ये मैंने 3 किलो दूध दिया है और इसमें 7-8 इलायची डाल दी है मैंने कूट कर। और यहाँ पर मैंने भिगा दिए हैं ये साबुदाने, और ये हैं ड्राई फ्रूट्स जो अभी कट करेंगे, और इसमें डालेंगे शुगर। तो जब तक ये इसको उबाल आए तब तक हम ड्राई फ्रूट्स कट कर लेते हैं अपने। ये शिव जी पर भोग लगेगा आज। ये देखिए, यहाँ पर दूध अच्छे से उबल रहा है। यहाँ पर मैं ये शक्कर इसमें डालूंगी। और यहाँ पर आज बन रहे हैं खाने में पाव भाजी। तो ये भाजियाँ यहाँ पर बॉयल होंगी, इसे मैं अभी 2 से 3 विसल लगवाऊंगी। इसमें मैंने फ्लावर, पीस, आलू, गाजर और एक पीट डाला है, और थोड़ी सी बीन्स भी। और अब मैं इसमें साबुदाने डाल दूंगी जो मैंने भिगा के रखे थे, वो मैंने पानी के साथ ही थोड़ा डाला, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही उसमें पानी था और वो पीने का साफ पानी था। मैंने 2 से 3 पानी में से इसको धोकर रखा था, क्योंकि ये जितने साबुदाने फूलेंगे तो ये खीरनी बहुत गाढ़ी हो जाएगी, तो हमें नॉर्मल रखनी है इसलिए। और अब इसे जब तक अच्छे से उबाल आए और साबुदाने अच्छे से पके, उसके बाद मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने चीनी और साबुदाने डाल दिए थे जैसे आपको दिखाए थे, और ये अच्छे से उबल रही है यहाँ पर। अब मैं इसमें डालूंगी ड्राई फ्रूट्स जो ये हमने कट करके रखे। अब इसे हम और 20 मिनट तक इसको और उबालेंगे अच्छे से। ये देखिए गाइस, ये खीरनी बिल्कुल रेडी हो गई है बनकर। अभी इसे मैं अभी फुल ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट तक रख दूंगी। देखिए, यहाँ पर हमारा पाव भाजी की वेजिटेबल्स भी बॉयल हो चुकी है, इसकी भी तैयारी चालू है। और ये प्रसाद बिल्कुल रेडी है अभी डिस्पैच करने के लिए। वैसे देखिए, ये बिल्कुल बन के रेडी हो गई है, अब ये डिस्पैच हो रही है। देखिए, गर्मा गर्म। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सपोर्ट मी गाइस, थैंक यू।